देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जारी जंग को और भी तेज करने का ऐलान किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने की भी घोषणा की, जिसके बाद से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने से लेकर बसों का भी संचालन कर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की बात कही गई। ऐसा ही एक नजारा NH2 नेशनल हाईवे लूपर में देखने को मिला, जहाँ प्रवासी मजदूर ट्रक, DCM, ऑटो व अन्य साधनों से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर को जा रहे थे। ट्रकों की छतों पर बैठकर प्रवासी मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाकर यह मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर के आज NH2 हाईवे पर खड़े हुए हैं, बर्रा बाईपास पुल पर, जो कि आपको बता दें जो कि पूरे देश में महामारी, कोरोना जैसी महामारी फैली, वहीं पर अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं बराबर और अपने घरों को जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कहां से आ रहे हैं और किन दिक्कतों का सामना पड़ना पड़ा है। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान कहां से आ रहे हैं आप? हम मंडी जा रहे हैं भैया। कहां जा रहे हैं आप? लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जी। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कोई रास्ते में प्रशासन बहुत दिक्कत करना पड़ रहा है। पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जा रहे हैं आप यहाँ? हाँ। साधन आपको ना क्या नहीं मिल रहे हैं क्या? साधन नहीं, नहीं मिले। जो करी आपने बहुत कुछ किया, 2000 रुपये कोई तैयार नहीं है। जैसा कि बता दें कि इनको साधन नहीं मिल पा रहे हैं, इस चक्कर में लोग पैदल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इंडियन प्राइम न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप घर पर रहें, स्वच्छ रहें और अपने परिवार के साथ रहें। इंडियन प्राइम न्यूज़, हिमांशु श्रीवास्तव।